हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं बना रही हूँ कढ़ी। आज कढ़ी बनाऊंगी पकोड़े वाली, तो आपको दिखाते हैं। चलो, तो ये मेरा रखा है। ये आलू डालूंगी मैं पकोड़ों में। एक आलू और हरी मिर्ची है। तो इधर डाल देती मैं बेसन। तो ये डाल देते हैं अपन धनिया पाउडर। तो ये डाल देती मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, कि मैंने हरी मिर्च डाली थी ना इसमें, तो थोड़ी सी मैं डाल देती इसमें हल्दी। तो ये गाइस डाल देते हैं अपन नमक। हल्दी से ना थोड़ा कलर आ जाता पकोड़ों से, हल्दी में थोड़ी और डाल देती हूँ। तो ये गरम मसाला है बस। इसमें डाल देते हैं अपन पानी। पानी डाल देते हैं। तो थोड़े से मैंने प्याज भी डाल दिए इसी में। प्याज डाल दिए मैंने थोड़े से। तो ये मैंने तड़के के लिए काट लिए लहसुन प्याज हरी मिर्ची। तो कढ़ी के लिए मैं बनाऊंगी ना तड़का। तो गाइस इधर मैंने जला दिया गैस। तो रख दी कढ़ाई। तो अब डालेंगे इसमें तेल। मैं डाल देती हूँ तेल। इतना तेल डाल दिया मैंने। तो इधर मेरी लस्सी रखी। तो लस्सी में अपन डाल देते हैं बेसन। कम बेसन डालूंगी मैं, ज़्यादा बेसन नहीं डालूंगी ना। ये डाल दिया मैंने कढ़ी में बेसन लस्सी में। तो इसको अपन मिला लेते हैं। इसको मैं घोल लेती हूँ। तो मैंने बेसन कम डालती हूँ ना, मैं गाढ़ी नहीं बनाऊंगी, मैं पतली पतली कढ़ी बनाऊंगी। ये मेरा पकौड़ों का सामान तैयार। उधर मेरा गैस जल रहा है, तो अपन जल्दी से बना लेते हैं। तो तेल गरम मेरा हो गया है। अपन डाल देते हैं पकौड़े। तेल गाइस मेरा गरम हो गया, मैं डाल देती हूँ पकौड़े। तो थोड़े पकौड़े मैं कढ़ी में डालूंगी, तो थोड़े दीपक और बब्बू खाएंगे। आलू वाले बनाए हैं आज मैंने। कढ़ी ना बनाऊंगी, कड़ी के साथ पप्पू कह रहा चावल बना देना। तो मैं चावल ही बनाऊंगी आज। थोड़ी ऐसी आटा रखा मेरे लिए, मैं बनाऊंगी दो चार रोटियां मेरे लिए। तो गाइस मेरे पकोड़े बन रहे हैं इधर। तो इधर बब्बू की हो रही है पढ़ाई। बब्बू लेट के पढ़ाई कर रहा है। तो हेलो गाइस, मेरे ये वाले पकोड़े बन रहे हैं। तो ये मैंने बना के रख दिए, ये बब्बू खाएगा। इसमें सॉस डाल दी कटोरी में। तो ये वाले पकोड़े ले, चेक करके बताना जरा, जाना चेक करके बता कैसे बने। देखना क्या वीडियो। हाँ गरम है, गरम गरम ना खा जी। गरम गरम ना खा ली। सही है, नमक कम है। नमक कम है, डालो नमक। चल ठीक है, मैं नमक डाल देती हूँ, तू खा ले। गाइस अब मैंने डाल दिया तेल, वो क्या जीरा, ये प्याज भी। ये पकोड़े तो मैंने कढ़ी के लिए बनाए। ये वाले बब्बू ने खाए हैं, ये वाले बब्बू खा रहे हैं। तो ये मैंने कढ़ी के लिए रखे हैं। तो मैंने डाल दिया जीरा। अब डाल देती हूँ ये वाला मसाला जो मैंने काट के। गाइस अब मैं डाल देती हूँ मेरे प्याज हो गए, मिर्चें, धनिया पाउडर डाल देती हूँ। ये डाल देती मैं नमक। नमक थोड़ा और डाल देते अपन इसमें। ये दे देते अपन हल्दी। तो इधर डाल देते अपन गरम मसाला बस। हाँ उन्होंने जाना ना, तो फिर तैयारी कर रहे हैं। तो अब मैं डाल देती हूँ ये बेसन जो मैंने घोल के रखा था। ये डाल दिया हमने। तो थोड़ा सा मैं डाल दूंगी इसमें पानी। इसको अपन निकाल लेते हैं। तो अपन इसमें रख देते हैं ये वाली कड़छी। तो इसको धीरे धीरे बनती रहेगी, अपन गैस कर देंगे कम। तो ये वाला मैं डाल देती हूँ इसमें पानी लो के बस। तो गाइस मैं पकोड़े में बाद में डालूंगी। तो दोस्तों मैं पा देने के पकौड़े कढ़ी थी।
इसमें डाल दिए पकोड़े। तो इधर मैंने काट के रखा धो के धनिया, तो धनिए को भी डाल दिया, धनिया भी डाल दिया मैंने। तो मेरी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना मुझे। और मेरी कढ़ी आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक कर देना मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सपोर्ट करना। इसमें डाल देते हैं अपन कढ़ी, इसमें डाल के तो अपन इसको धनिया वाला था ना, फिर डाल देते हैं वापस। तो देखो कितनी अच्छी बनी और कितना अच्छा रंग आया, और कढ़ी पतली है। और जब तक खाना खाएंगे, चावल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, तो कढ़ी गाढ़ी हो जाएगी ठंडी होके। तो आज मुझे लगती है मेरी कढ़ी खट्टी भी है, उस दिन मेरी कढ़ी खट्टी नहीं बनी थी तो आज खट्टी भी बनी है। तो जल्दी से मैं बना लेती हूँ चावल। तो अपन गैस कम कर देते हैं, धीरे 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 और बन जाएगी ये।